गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का जो विषय है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर रखिए। दोस्तों, नेगेटिव लोग आपको कहीं भी मिल जाते हैं, कई बार हमारे फैमिली मेंबर में होते हैं, कई बार वो हमारे स्टाफ में होते हैं, कई बार वो हमारे समाज में है, कई बार वो हमारे रिलेटिव्स है, वो आपको हर जगह मिल जाते हैं दोस्तों। तो आपको उन लोगों से दूरी बना के रखनी है। दोस्तों, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो सड़क के ऊपर बहुत सारे लोग इस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं जैसे कि वो जीना ही नहीं चाहते, और वो तो फ्री है लेकिन आप फ्री नहीं हैं। तो अक्सर हम सबसे पहले प्रयास ये करते हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो किसी के साथ टकराए नहीं, क्योंकि टाइम हमारा वेस्ट होगा, दिमाग हमारा ख़राब होगा, पैसे भी वेस्ट हो सकते हैं। ठीक उसी तरीके से इस संसार के अंदर आपको खुद को पॉजिटिव रखना होगा। दोस्तों, आप समझिए कि अगर कोई हमारे घर पे आ रहा है, उसके जूते जो है अगर कीचड़ वाले हैं तो हम उसको बोलेंगे कि सर आप अपने जूते बाहर निकाल दीजिए। वो जूते हम उसको परमिशन नहीं देंगे कि गंदे जूते लेके वो हमारे घर में आ जाए, गंदे जूते लेके कोई हमारी गाड़ी में बैठ जाए। हम उनको बोलेंगे आप जूते साफ़ कर लीजिए प्लीज़। ठीक उसी तरीके से हमें उन लोगों को भी परमिशन नहीं देनी चाहिए जो नेगेटिव पास करते हैं, हमारे दिमाग में वो कचरा डालने की कोशिश करते हैं। अगर आप उनको अलाउ करोगे तो धीरे धीरे वो आपके दिमाग में खूब सारा कचरा डाल देंगे। दोस्तों, आप खुद को बचा के रखना है उन लोगों से। दोस्तों, आप जब भी उनको मिलते हैं तो वो लोग ना आपको यह एहसास कराते हैं कि आप दूसरे नंबर पे हैं वो, और वो पहले नंबर पे है। कई लोग ऐसे हैं कि जब आप उनको मिलते हो तो आपको डाउन फील होता है, आपका बैटरी डाउन हो जाता है, आप निराश हो जाते हो, आपका जो कुछ करने का जो जुनून है वो ठंडा हो जाता है। तो दोस्तों, आपको उससे मिलने का कम रखिए। हाँ, उन लोगों से दूर रखिए। हाँ, शुरू में आपको दूर रहना है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी फैलाते हो, जैसे कि आपने कमिटमेंट लिया है कि मैं रोज का एक घंटा पढ़ाई करूँगा, या आपने कमिटमेंट लिया है कि रेगुलर आप यूट्यूब पर कोई अच्छी अच्छी बातें दिमाग में डाल रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक समय के बाद आप इतने पॉजिटिव हो जाएंगे, आपका नेचर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने, आपके आसपास में कितने लोग नेगेटिव है या वो आपको कौन सी बकवास कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आपको उन लोगों से हमेशा खुद को बचाए रखना है, दूर रहना है जो नेगेटिव पास करने की कोशिश करते हैं। या तो आप में उतना कैपेसिटी होना चाहिए कि उस नेगेटिविटी को आप पचा सके, सुन सके, लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अगर आप फ्रेशर हो, नए हो, और आपको कम से कम 2 साल से नीचे का समय है, तो आपको मेरा मानना है कि उन लोगों को मिलना ही नहीं चाहिए जो आपको नेगेटिव बात करना चाहते हैं। दोस्तों, एक बार मेरा दोस्त को जब मैं मिला तो मैं बहुत खुश था, मैं बहुत एक्साइटेड था जब मैं उनको मिला। तो उसने कहा कि तू बहुत एक्साइटेड है, तो मैंने बोला मुझे नहीं पता है कि मेरे सीनियर ने मेरे साथ क्या किया, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लग रहा है, मैं खुश ज़्यादा रहता हूँ, तो मुझे कोई परवाह नहीं है कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है, बट आई एम हैप्पी। यस दोस्तों, आपको नेगेटिव लोगों से खुद को बचाना होगा। कई बार क्या होता है कि हमारा सीनियर जो है हमारा बिजनेस को छोड़ के चला जाता है, जब वो हमारा बिजनेस छोड़ के चला जाता है तो वो कुछ नया काम करता है या दूसरी कंपनी में चला जाता है, तो वो जब आपको मिलने का प्रयास करता है तो वो कभी आपको पॉजिटिव बात नहीं करेगा, वो हमेशा आपको नेगेटिव बात ही करेगा, क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं है। और आप लोगों को भी उन लोगों से दूरी बनाए ही रखनी चाहिए कि जो आपको डाउन फील कराते हैं या नेगेटिव पास करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा सिर्फ हमारे बिजनेस में नहीं है, ऐसा हर जगह पे, आप यकीन करोगे, आपको पता है कि आपके घर में, परिवार में, फैमिली में, हर जगह ऐसे लोग फैले हुए हैं। आपको उन लोगों से बचना होगा, और इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका कोई सीनियर दूसरी कंपनी में चला गया, दोस्तों कोई रिलायंस भी छोड़ता है, कोई HPCL भी छोड़ता है, कोई मतलब बड़ी बड़ी भी कंपनी लोग छोड़ते हैं, और
ऐसा कुछ नहीं है, आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। खास करके डायरेक्ट सेलिंग में तो आप बस अपने सीनियर से दोबारा एक और ऊपर एक कोई सीनियर होगा जो पॉजिटिव है, आप उनसे संपर्क बनाए रखिए दोस्तों। और अगर कोई नहीं है तो आप कंपनी में ईमेल कर सकते हैं कि यस मैं आई वॉन्ट टू ग्रो बट नो बडी आई डोंट हैव एनी सीनियर, तो शायद कंपनी कुछ आपके लिए कर सके, ठीक है। तो इससे कुछ चिंता का विषय नहीं है, लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जो लोग आज हमारे साथ नहीं हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखे तो अच्छा है, खास करके उन लोगों से जो इस जो आप काम, अगर मेरा मानना है कि अगर आप रिलायंस में बड़े होना चाहते हो तो आपको हमेशा रिलायंस को लेके पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आप आइडिया कंपनी में बड़ा होना चाहते हो तो आपको आइडिया को लेके पॉजिटिव होना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता है कि आप जिस कंपनी में बड़े होना चाहते हो, ग्रो होना चाहते हो, उसके प्रति आपके दिमाग में नेगेटिविटी रख के आप कभी भी बड़े हो ही नहीं सकते, ये तो इम्पॉसिबल है। मैं किसी के साथ 40 साल रिश्ता रखना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ, और मैं हमेशा उसके बारे में अगर नेगेटिव ही सोचता रहूँगा तो मैं उस रिश्ते को और मजबूत नहीं कर सकता। तो आपको उन लोगों से दूरी बनाए रखनी होगी जो इस कंपनी में नहीं है और वो दूसरी कंपनी में चले गए हैं, या आपके अगल बगल में लोग हैं। खास करके आपकी फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो आपको बस मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तू नहीं कर सकता। एक्चुअली जब आपको कोई ये कहता है कि तू नहीं कर सकता तो एक्चुअली वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो उसको लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो ये कैसे कर सकता है, इसलिए वो अपनी कमजोरियों को आपके ऊपर लादने की कोशिश करता है। और दुनिया बहुत बड़ी है, अगर कोई काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ दैट डजंट मीन्स कि वो कोई दूसरा नहीं कर लेगा, वो कर लेगा, लेकिन आपको खुद को उन लोगों से बचा के रखना होगा दोस्तों। आज यूट्यूब में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह आपको नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन उसमें से क्या लेना है ना, ये फैसला आपको करना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव उठाओगे तो आपका जीवन नेगेटिव हो जाएगा, अगर आप पॉजिटिविटी उठाओगे तो आपका जीवन दोस्तों पॉजिटिव हो जाएगा। आप बस उनसे मिलते रहिए जिनको मिलने के बाद ना आप डबल महसूस करते हो, आपको वो आपको लगता है कि आप कुछ हो, वो आपके अंदर संभावनाएं देखते हैं, वो आप पे भरोसा दिखाते हैं। उनको मिलने के बाद आपको एक अजीब सी एक्साइटमेंट और अजीब सी खुशी महसूस होती है। आप दोस्तों उनको बार बार मिलिए, आप उन लोगों से दूरी बनाए रखिए जो जिसको मिलने के बाद आपका बैटरी उतर जाता है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ कि आप हर रोज़ हर घंटे में ना एक डायरी में नोट्स करें कि पिछले एक घंटे में आप पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे। आप 12 घंटे का हिसाब करोगे तो आपको पता लगेगा कि आप 8 घंटे कम से कम जो है नेगेटिव रहते हैं। अब 8 घंटे नेगेटिव रह के रिजल्ट जो है, परिणाम जो है, वो पॉजिटिव कैसे आ सकता है? चेक तो करिए आप हर घंटे कि पिछला एक घंटा मेरा नेगेटिव था कि पॉजिटिव था, और आप चेक करोगे कि सुबह 8 से लेकर रात को 12 बजे तक का तो आप ज़्यादातर समय नेगेटिविटी के साथ बिताते हैं, तो आपका जीवन का रिजल्ट भी उस तरीके से आ रहा है। आपको उन लोगों से बचना होगा जो आपके अंदर जहर फैलाने की कोशिश करते हैं। अब उनको लोगों से मिलना ही बंद कर दीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, वो हमेशा कंप्लेन लेके घूमते रहते हैं। उनको तो सब जगह पे प्रॉब्लम दिखता है, उनको लग रहा है कि पूरी पृथ्वी के अंदर मात्र वही 100% परफेक्ट है, बाकी संसार में हर चीज़ में कमियां हैं। वो कमियां निकालने का मास्टर होता है, कंप्लेन बॉक्स। कई बार तो हमें मन करता है कि इसका नाम ना मैं कंप्लेन बॉक्स के रख लूँ। कंप्लेन वो आएगा, जब भी उसका कॉल आएगा तो उसका कंप्लेन के मूड पे ही आता है, वो रोता रहता है। दोस्तों मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में उन लोगों को ग्रो करते हुए नहीं देखा है जो हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। दोस्तों मेरी दादी ने एक बहुत अच्छी बात मुझे बचपन में सिखाई थी, गुजराती में है, चाल से, भाव से, अने फाव से। दैट मीन्स चलेगा, ओके, भाव से मीन्स राइट, स्वाद में जो भी होगा मैं खा लूँगा और मैं चला लूँगा। ये तीन चीज़ें हमें लाइफ में कई बार इस पृथ्वी के ऊपर सबको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, थोड़ा बहुत फाइन ट्यून तो हमें जीवन में लाना ही पड़ेगा। तो आप उन लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखिए जो हमेशा कंप्लेनिंग मोड में आता है। सीखने वाला अलग है, कंप्लेन करने वाला अलग होता है। तो आपको जो सीखने वाले हैं, जो क्यूरियोसिटी लेके आ रहा है, उसके साथ जरूर बैठे, लेकिन बस जो रोता ही रहता है, हमेशा रोता ही रहता है, और गलती से अगर आपने ऐसे 8-10 लोगों की टीम बना दी तो समझो कि वो मिल के ना आपको ही इस बिज़नेस से हटा देंगे। दोस्तों
कुछ लोग काम कैसे नहीं होता है ना, वो पहले सोचते हैं, काम कैसे होगा वो बाद में सोचते हैं। तो ये मनुष्य का नेचर है कि हमारा जिस तरीके से ब्रेन का डिज़ाइन हुआ है वो अपने आप में पॉजिटिव सस्टेन का नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव नहीं रह सकते। आपको जानबूझ के उसको रखना होगा। तो आप कैसे उसको रख सकते हो कि अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, अच्छे यूट्यूब चैनल के संपर्क में रहो, और सेमिनार्स है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका सीनियर है जो व्यक्ति आपके जीवन में रस ले रहा है। लेकिन आपको फिर से कहता हूँ, उन लोगों से आपको दूरी बनाना सीखना होगा, दूर रहना होगा जो आपको नेगेटिविटी पास करते हैं, नहीं तो वो धीरे 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 वो जहर आपके अंदर फैल जाएगा दोस्तों। और मैंने कभी फिर से बोलता हूँ, आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आप खुद 12 घंटे में से अगर आप 8 घंटे नेगेटिव रह के क्या आप पॉजिटिव परिणाम पैदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें। आप नेगेटिव रह के क्या रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं? अगर जवाब है नहीं, तो खुद को पॉजिटिव कैसे रखना है, पॉजिटिव कैसे बनाए रखना है, अपनी टीम को पॉजिटिविटी कैसे रखनी है, इसके लिए आपको उन लोगों से दूरी बनाए रखिए दोस्तों जो आपको नेगेटिव होने की कोशिश करते हैं। या खुद को इतने पावरफुल बना लीजिए आप नॉलेज के दम पे कि वो आपसे दूरी बनाना शुरू करें। दोस्तों कहते हैं कि एवरीबडी लव कंपनी, जिस तरीके से पॉजिटिव लोगों को कंपनी पसंद है, उसी तरीके से दोस्तों नेगेटिव लोगों को भी कंपनी पसंद है। वो आप देखोगे कि सेमिनार जैसे होता है तो थोड़ी ही देर में टोलियां बन जाती है, नेगेटिव लोग एक साइड में इकट्ठे हो जाते हैं, पॉजिटिव लोग एक साइड में इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ बातें होती है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, ऐसे होगा वैसे होगा, अब वहाँ बहुत अच्छी महसूस होता है। नेगेटिव लोग बातें कर, देखा पास में गड़बड़ी है, देखा खाना नहीं दे रही है कंपनी, देखा प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिल रहा है, देखा ये लोग भी गया वो भी गया, सब कुछ उनको हर जगह नेगेटिविटी दिखता है, उनको पूरी संसार में नेगेटिविटी दिखती है। लेकिन वो खुद को, उनमें वो कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद के अंदर क्या नेगेटिविटी है, क्या माइनस पॉइंट है वो देख पाते हैं। उनको पूरी दुनिया में नेगेटिविटी दिखती है दोस्तों। योद्धा वो है जो अपनी नेगेटिविटी को सुधारे, अपनी नेगेटिविटी को देखे और इसको इम्प्रूव करे, क्योंकि आप पूरे जग को सुधार नहीं सकते दोस्तों, नहीं सकते। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं क्या आप नेगेटिव रह के और नेगेटिव लोगों के संपर्क में रह के क्या आप पॉजिटिव परिणाम उत्पन्न कर सकते हो, नहीं कर सकते। कुछ लोग रेगुलर दूसरी कंपनी के लोगों को मिलते रहते हैं जो उनको नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, और होता क्या, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, इसके बाद नेगेटिविटी जीत जाती है दोस्तों। पावर ऑलवेज विन, हाँ वो बात अलग है, अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, रेगुलर पॉजिटिव रखने का जिम्मा आपने ले लिया है, तो वो एक चीज़ अलग है। लेकिन ऐसा 5% केस में होता है, 95% केस में मैं आपको फिर से लास्ट में एक रेकमेंड करना चाहूँगा, आप उन लोगों से खुद को बचाए जो आपको डाउन फील कराते हैं, नेगेटिविटी पास करते हैं, आपकी वो एनर्जी ड्रेनर है, वो आपकी एनर्जी को चूस लेते हैं, आप उनसे दूरी रखिए। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर आंसर दें क्या आप नेगेटिव रह के पॉजिटिव परिणाम ला सकते हो कि नहीं ला सकते। धन्यवाद।